अपना मकसद ये तो ना कि सत्ता बदलेंगे, राजनीति बदलेंगे, पढ़े लिखे जो इंटेलेक्चुअल एमएलए उनको किसी पिछले 4.5 साल में कोई पद नहीं दिया गया, तो अंदर ही अंदर क्या था मतलब क्या हम लोग? एक चीज तो बड़ी स्पष्ट थी कि आप देखें तो आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद से लोगों के केवल जाने की खबरें आई, योगेंद्र यादव जी के जाने की खबर आ रही है, प्रशांत भूषण जी के जाने की खबर आ रही है, तो आपने लोगों को जाते हुए ही देखा है उसमें, फिर मेरा भी नाम उसमें जुड़ गया, उसमें ऐसे कितने सारे नाम जुड़ते चले गए। अगर आप पीछे से देखना शुरू करें तो पार्टी बनने से आंदोलन से पहले अरुणा रॉय, निखिल डे, फिर अन्ना हजारे, फिर किरण बेदी, फिर वीके सिंह, फिर प्रशांत भूषण, फिर योगेंद्र यादव, फिर मेरा पूरा घटनाक्रम, फिर अंजलि दमानिया, फिर मेधा पाटकर जैसे बहुत सारे नाम आए, अश्विनी उपाध्याय, शाजिया इल्मी, कुमार विश्वास, तो जाने की खबरें आ रही हैं। आने की खबर किसकी आई? सुशील गुप्ता। तो आप ये देखिए कि आपका जा कौन लोग रहे हैं और आ कौन लोग रहे हैं, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि अंदर क्या चल रहा था। दो चीजें मुझे लगता है बड़ी जो हमने प्रॉमिस की और हमने तोड़ी, हमने जिसके विपरीत काम किया। एक, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जो कि हमारा कोर था। हम स्वराज लाएंगे, जनता से पूछेंगे, जनता निर्णय लेगी, जनता के इशारे पे काम होगा, कोई एक व्यक्ति पार्टी का आला कमान नहीं होगा, हाई कमान कल्चर को हम लोग खत्म करेंगे, विप की प्रक्रिया को हम लोग खत्म करेंगे, तो ये सामूहिक निर्णय, ये सब हमने एकदम से सफ़ेद झूठ जनता को बोला और उसमें से कुछ भी हमने नहीं किया। दूसरा बड़ा झूठ हमने बोला कि हम करप्शन से लड़ने आए हैं, हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम एमपी एमएलए का फंड खत्म करेंगे, इसमें जनता निर्णय लेगी कि किसको ठेका मिले, कौन उसका काम करेगा, हम भ्रष्टाचारियों के साथ जाके नहीं खड़े होंगे, हम ऐसे किसी लोगों को के समर्थन ना लेंगे, ना हम देंगे बच्चों तक की कस्में खाली। तो वो एक पूरा का पूरा, तो दो बड़े मेरे को लगता है स्तंभ जिन पर आंदोलन टिका था, डिसेंट्रलाइजेशन और एंटी करप्शन, उन दोनों के हमने एग्जैक्टली अपोजिट काम किया सत्ता में आने के तुरंत बाद। आई डोंट थिंक दैट काइंड ऑफ मूवमेंट में अब दोबारा कोई आएंगे तो पहले लोग पहले पूछेंगे कि ये हमें इस्तेमाल तो नहीं करोगे, बट नाउ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड हियर इज कि आपका मकसद क्या है। अरविंद से मिलने की सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। पिछले 2 साल में मैंने अरविंद को चिट्ठियां लिखी, ईमेल्स डाले, फोन व एसएमएस किए, उनके निवास पर गया, सचिवालय में जाकर उनसे मिलने का प्रयास किया, आम आदमी पार्टी के ऑफिस में भी कई चक्कर काटे, लेकिन अरविंद नहीं मिले। हमारी इस डॉक्यूमेंट्री का यह लास्ट एपिसोड भी अरविंद से न मिल पाने की वजह से लटका हुआ था। दिसंबर 2019 के दूसरे हफ्ते में एक जर्नलिस्ट शुभचिंतक का मैसेज आया कि कल अरविंद एक फंक्शन में आएंगे, आप मिलने की कोशिश कर सकते हैं। इंद्रप्रस्थ बस डिपो के इस फंक्शन में अरविंद ने बसों के एक फ्लीट को फ्लैग ऑफ किया, मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर लिया। कार्यक्रम में उनके रुकने की उम्मीद थी, वे लोगों से अपनी बात कहेंगे, लेकिन अरविंद 5-7 मिनट में ही चलते बने। मैं उनकी गाड़ी की तरफ भीड़ में से आगे बढ़ा, गाड़ी में बैठते ही उनकी निगाहें मुझसे मिली, लेकिन उन्होंने आंखें मोड़ ली। मैंने उनको चेज किया लेकिन उन्होंने रुकना मुनासिब नहीं समझा।
कितना चंदा जेब में आया, कितना बांटा कितना खाया, कितना चंदा जेब में आया, कितना बांटा कितना खाया, कितना चंदा जेब में आया, कितना बांटा कितना खाया। सही सही बतलाना होगा, अब सब कुछ समझाना होगा, वरना अब की खेल है अगला नंबर जेल है, वरना अब की खेल है अगला नंबर जेल है, वरना अब की खेल है अगला नंबर जेल है, वरना अब की खेल है अगला नंबर जेल है। पाई पाई का तुम हिसाब दो, जो हम पूछें वो जवाब दो, पाई पाई का तुम हिसाब दो, जो हम पूछें वो जवाब दो। सबके नाम उजागर कर दो, अब गागर में सागर भर दो, सबके नाम उजागर कर दो, अब गागर में सागर भर दो। सही सही बतलाना, वरना अब की खेल है अगला नंबर जेल है, वरना अब की खेल है अगला नंबर जेल है, वरना अब की खेल है अगला नंबर जेल है। खो के कुछ पाना भी है, भारत नया बनाना भी है, कुछ खो के कुछ पाना भी है, भारत नया बनाना भी है, नींद से तुम्हें जगाना भी है, मुद्दों को सुलझाना भी है, नींद से तुम्हें जगाना भी है, मुद्दों को सुलझाना भी है। सही सही बतलाना होगा, अब सब कुछ समझाना होगा, वरना अब की खेल है अगला नंबर जेल है, वरना अब की खेल है अगला नंबर जेल है, वरना अब की खेल है अगला नंबर जेल है, वरना अब की खेल है अगला नंबर जेल है। पारदर्शिता पानी जैसी, ये ना हो तो ऐसी तैसी, पारदर्शिता पानी जैसी, ये ना हो तो ऐसी तैसी, अपने गड्ढे खुद ही पाटो, जो बोया है वो ही काटो, अपने गड्ढे खुद ही पाटो, जो बोया है वो ही काटो। सही सही बतलाना होगा, अब सब कुछ समझाना होगा, वरना अब की खेल है अगला नंबर जेल है, वरना अब की खेल है अगला नंबर जेल है, वरना अब की खेल है अगला नंबर जेल है, वरना अब की खेल है अगला नंबर जेल है। औरों का तब चंदा तोलें, पहले आप तो खुल कर बोलें, औरों का तब चंदा तोलें, पहले आप तो खुल कर बोलें, अन्य दलों से तब हो खुलासा, पहले आप से है ये आशा, अन्य दलों से तब हो खुलासा, पहले आप से है ये आशा। सही सही बतलाना होगा, अब सब कुछ समझाना होगा, वरना अब की खेल है अगला नंबर जेल है, वरना अब की खेल है अगला नंबर जेल, वरना अब की खेल है अगला नंबर जेल है, वरना अब की खेल है अगला नंबर जेल है।